सो हेलो गाइस, कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। और ये जो सामने बंदा आप देख सकते हो ना, अब ये जो है वो MGC मास्टर का टीममेट है अभी इस टाइम पे, ठीक है। और ये गेम प्ले में खेल रहा था दिन में आई थिंक, और मतलब जैसे ही भाई पता चला ना कि MGC मास्टर, मैं मतलब पागल हो गया, मतलब उछलने लगा मैं एक तरीके से कि भाई MGC मास्टर आ गया, बंदूकबाज भी होगा। लेकिन बंदूकबाज तो था नहीं अपने भाई, तो क्या कर सकते। तो मैंने फटाफट से यहाँ से, वो कुछ दिख नहीं रहा था मतलब यहाँ से ना, मतलब उनको जोन में आना था और हम दोनों टीममेट यहाँ पे दो वर्सेस स्क्वाड खेल लेते, तो उनका एक बंदा तो मैंने लपेटे में ले लिया। और ये पता नहीं ये एक बंदा भागा यहाँ से, उसको मैंने नहीं दो ही शॉट मारे, अगर एक और लग जाता तो शायद कुछ हो सकता था। खैर दो भी अच्छे हैं, मेरा टीममेट बैठ गया यहाँ पे और भाई गंदा फायर उनकी तरफ से, लेकिन गाड़ी पे गोलियां लगी। और भाई ये देखो भाई, मतलब क्या लगा नहीं था कि मेरे से सांप बने, मतलब जब गाड़ी थोड़ी पास में तब पता चला। और यहाँ पे सस्ने से आप लोग देख सकते हो एक गोली पड़ी उस वाले बंदे की। ओके तो अभी आप लोग देख सकते हो मतलब इस बंदे की मैंने टीममेट ने पेटी बना दी, और आई थिंक वो उसी टीममेट का उसी जो है उसका बंदा था वो। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा उछलने लगा क्योंकि भाई RP में नाम आया था और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी बंदा बंदूकबाज हो और हम उससे लड़ जाए, मतलब MGC मास्टर हो। और यहाँ पे आप किल फील्ड देखना अभी, ठीक है, या फिर आप सामने देख सकते हो भाई, मतलब जैसे मैंने पेटी खोली मतलब लूटना अपना आप स्टार्ट हो गया, मेरे हाथ कांपने लगे। क्या मतलब MGC मास्टर इन द मैच गाइस, और मतलब क्या ही बताऊँ मैं, मतलब उछल रहा था फिर भी बंदे ने पिक किया, तो भाई मैंने ढिला दिया MGC मास्टर को, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि हम गाड़ी थोड़ा इधर लेके आए रिच के इस पार, ताकि मेरे को नहीं पता था कि कहीं से भी कुछ भी हो सकता है गाइस। तो पहले गाड़ी को कवर में लाना जरूरी है, क्योंकि मेरा ध्यान जोन पे गया और जोन अपने पे कद्दू भी नहीं था, तो मतलब क्या ही कर सकते हैं फिर। खैर मैं अब भी उछल रहा था क्योंकि मेरे को लगा था कि शायद बंदूकबाज होगा तो बंदूकबाज से मिल लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तो और अभी देखना आप क्या गलत सीन होते हैं हमारे साथ, ठीक है। मैं सामने की तरफ देख रहा था, ठीक है, और मैं अपने टीममेट, ये जो मेरा टीममेट है वो उन्हें मार रहा था, तो मैंने इन्हें समझाया कि भाई मत मार। अब यार सच बताऊँ तो मैंने, मेरा यहाँ पे लड़ाई करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। मेटम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एक बार बात तो कर लेते, लेकिन भाई ये मेरा टीममेट मान नहीं रहा था। मैं इसके घूसे पटकाऊँगा अभी, ठीक है भाई, रुक जा यार, उनको आने तो जोन में। और भाई तभी ये होता है, भाई तब यहाँ पर ना मतलब हम थर्ड पार्टी हो गए थे, अलग स्क्वाड ने हमारे ऊपर रश कर दिया था और भाई मेरी भर्ती, लेकिन मेरे टीममेट ने भी एक को नॉक कर दिया था, तो शायद वो अब मामला बराबर का हो चुका था। और MGC मास्टर का तो मुझे पता नहीं, मतलब वो जोन से मर गया फिर क्या। और यहाँ पर मेरे टीममेट ने जल्दी से मेरे को रिवाइव दिया, और मैंने बस एक ही बात कही कि भाई निकल ले यहाँ से। तो हमने वेल्थ किट बाद में लगाई, मैंने लगाई नहीं, और निकल लिए हम बाद में। और भाई यहाँ तक भी उन बंदों ने मेरे पे गंदा फायर करा, और आई थिंक MGC मास्टर को भी उन बंदों ने मार दिया, और भाई यहाँ पे भी गंदा फायर हो रहा था। लेकिन अब हम उन बंदों को नहीं छोड़ने वाले थे, आप किल फील्ड देखते रहना कहीं पे MGC मास्टर का नाम लिखा है। तो यहाँ पे मैंने हेल्थ किट लगाई, और जैसे हेल्थ किट वगैरह हुआ मेरा कंप्लीट, मैंने भाई रस कर दिया उनके ऊपर, मतलब कसम से यार, मतलब कैसे नॉक कैसे किया भाई को। तो मैंने जल्दी से यहाँ से हेल्थ किट वगैरह लगा ली और यहाँ पे चलने लगा मैं। लेकिन तभी मेरी सस्ती और घटिया स्नाइपिंग देखो, एक और घटिया शॉट नहीं, एक और देख लो दिल खुश हो जाएगा, बस अब नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो अब मैंने अपने टीममेट को जल्दी से बोला यहाँ से निकल लेने का। तो भाई जैसे ही मैंने वो MGC मास्टर नाम पढ़ाने की, यू नॉक्ड MGC मास्टर, भाई मतलब क्या ही अलग से भाई मजाक खतरनाक है। और जब तक हम यहाँ पहुँचे मेरे को धुआं दिखाई दिया, तो मैंने कहा कि हो गया यहाँ का कल्याण, अब निकल लो यहाँ से। लेकिन हमारी राइट वाली पार्टी पे भी बंदे थे, मेरे को फायरिंग के साउंड्स आए थे उधर से, तो हम वहाँ पर जा सकते थे। और भाई मेरा देख सकते हैं मेरे पास वेस्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है, वेस्ट के नाम पे मेरे पे ये जो सस्ती टिसल्ट है जो आपको PUBG में इंटर होते ही जो फ्री में मिलती हैं, वो फ्री की टिसल्ट है। खैर उसके बाद में
मैं कंफर्म करने लगा कि एमजीसी मास्टर है क्या, तो मैंने उसके उनके यूट्यूब चैनल पे गया और उनका नाम देखा, तो आई थिंक वो नहीं थे वो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझ जैसे इंसान से एमजीसी मास्टर नोक हो भी सकते गाइस, और अगर हो गए तो अच्छी बात है लेकिन मुझे लगा नहीं और लगता भी नहीं है कि मैं एमजीसी मास्टर जैसे लेजेंड को एक मिनट हाँ नोक कर पाता हूँ। तो ये दूसरा बंदा, इसकी पेटी बना दी मैंने, अब एक बंदा रह गया सिर्फ और देखो क्या गुल खिलाता है। लेकिन मेरा टीममेट यहाँ पे नोक हो चुका था तो इसे भी रिवाइव देना बनता था। और ये बाहुबली 007 मर गया। एक और स्मोक कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब मुझे पता नहीं आपको, हाँ तो साउंड आ गया होगा ना, तो मतलब उसका जो तीसरा बंदा था उन्होंने किसी भी बंदे को रिवाइव नहीं दिया और हमारे ऊपर रस करता हुआ सीधा आ गया। तो मेरा टीममेट के यहाँ पे बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन स्मोक की वजह से वो इधर सक्सेसफुली आ पहुँचा। लेकिन अब देखना हमारी स्ट्रेटजी, ठीक है। अब आपको सामने से राइट से लेफ्ट की तरफ जाता हुआ एक बंदा दिखा, ठीक है, उनको भी पता है, उसको भी पता है हम इसी पेड़ के पास है, लेकिन हम भी उस हिसाब से एडजस्ट हो रहे थे और रिवाइव कम्प्लीट हो गया। मैंने अपने टीममेट को कवर फायर दिया ताकि वो उसे मार, तभी जो ना क्या मैं निकल रहा है आगे, यहाँ पर मैं मतलब इसको नॉक कर दिया और दूसरे को मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया। तो भाई यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि एमजीसी मास्टर असली थे या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। बाय बाय।